ये भी कहा कि आप अभी अभी मॉडिफाई किया भी है सुप्रीम कोर्ट आदेश के बाद में कि एक स्लिप दिखेगी आपको, चार वोट किसको दिया आपने, वो अपना कट के ऑटोमेटिक पड़ जाएगी बॉक्स के अंदर। पंजाब में कुछ जगह मशीन लगी भी है, वो मशीन बनने में लगेगी इंसान, और मशीन भी फुल प्रूफ मैं नहीं मानता, इसका मतलब कि इस पर और विचार करना चाहिए, तो अगर केस चल रहा तो जाना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए। तब तक सर बैलेट पे आपका क्या विचार है, तब तक चुनाव बैलेट पे होने चाहिए या वही ईवीएम पे रखें अपन, सरकारें तो चुनी जा रही है डेढ़ साल बाद अपने आप इलेक्शन। जम्मू कश्मीर के अंदर विश्वास ही नहीं है अगर मान लीजिए प्रक्रिया पे, तो जम्मू कश्मीर में संध्या मेरा बना रहेगा, चाहे कोई हम जीतते तो वो आरोप लगाते हैं कि मशीन ईवीएम थी जीत गए। मुख्तार अब्बास नकवी जो है 2009 में जो हम चुनाव जीते उस आरोप लगाया ईवीएम के कारण जीते, शुरू स्वामी उनकी पार्टी नेता है, आपने व्हाट्सएप देखे होंगे उनके, वो आरोप लगा रहे हैं कि आप मशीन से हेरफेर होती है, खुले आरोप लगा रहे हैं, जो हार रहा है वो आरोप लगा रहा है, बीजेपी के नेता लगा रहे हैं, कांग्रेस नेता भी कई बार आतंक प्रकट कर चुके हैं, तो क्यों नहीं ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके इलेक्शन कमीशन को साथ बैठा करके, इलेक्शन कमीशन साथ बैठा सबको और सबकी राय बने, वो फैसला करना चाहिए मेरा मानना है। सर अगले साल अपने यहाँ चुनाव है, इलेक्शन कमीशन भी चाहिए और ऑल पोलिटिकल पार्टी मीटिंग बुला है, सबकी राय बने वो काम करना चाहिए। राजस्थान में अगला 2018 का चुनाव किसके नेतृत्व में कर रहे कांग्रेस? देखिए ये पहले कई बार कई बार कांग्रेस में प्रेजेंट रहती है और नेतृत्व क्या होता है, पीसीसी प्रेजिडेंट भी होता है, चीफ एडिटर भी होता है, जैसे यूपी की तर्ज पर बीजेपी ने खेला उसी तर्ज पर किया जाएगा या पहले घोषणा की जाएगी भाई हम इनके नेतृत्व में सर 20,000 स्कूलें बंद करने की आज पार्टी में ऐसा कभी रहा नहीं है, चुनाव के बाद में शेर की मीटिंग होती है, अभी मैं गया था पंजाब के अंदर 5 दिन पहले, शेर की मीटिंग मैंने करी, सबको पूछा एमएलए को, सबने हाथ खड़े किए कैप्टन साहब के लिए, तब जाके मौत लग गई है, तो इसलिए हमारे को एक बहुत बड़ी बात है, नेतृत्व तो कोई विषय नहीं है, मतलब ये विषय नहीं है, हाईकमांड सबकी राय लेता है, वहां भी सबकी राय ली गई, विधायकों की मैंने खुद ली, मैं उदय बन के गया भी सफर के 3 दिन पहले और सबसे मैंने बात करी, फिर सबसे राय खड़े हो गई, उसके बाद वाजपेयी से बड़े मोदी जी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जब थे प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी से बड़ा नेता कोई है नहीं, उस वक्त वाजपेयी जी से बड़ा नेता थे क्या, तो वाजपेयी जी की गवर्नमेंट जा सकती है तो मोदी जी की गवर्नमेंट भी जा सकती है, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, तो वाजपेयी जी जो इतने बड़े नेता माने जाते हैं सम्मानित नेता, जिनका सम्मान पक्ष विपक्ष में भी होता था, पूरी तरह डेमोक्रेट हिसाब चलना चाहते थे वो, अब मोदी जी वो जा सकते तो मोदी जा सकते। कांग्रेस की ऐसी क्या उपलब्धि रही है, कांग्रेस अपना ऐसा कौन सा काम बता सकते हैं, इतने सारे काम ही काम भैया, 6 महीने बैठे थे पूरे नहीं हुए, मोदी जी इस लाइन बोलते हैं कि सत्य साहब ने क्या किया, अरे मोदी को प्रधानमंत्री किसने बनाया, कांग्रेस नीति ने बनाया, कांग्रेस ने कार्यक्रम ने बनाया, कांग्रेस सिद्धांत ने बनाया, जो डेमोक्रेसी रखी है देश के अंदर कायम, आजादी के बाद पाकिस्तान भी और हिंदुस्तान भी साथ में आजाद हुए ना, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं रही, हमारी डेमोक्रेसी कायम किसने रखी, मोदी ने रखी है क्या, कांग्रेस रखी है, उस काम मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, देखिए भूल जाते हैं, मंगल ग्रह पे ही लगा क्या, 35 साल पहले इसरो बना था, इंदिरा गांधी ने बनाया था, तब आज इसरो में रोज 104 उपग्रह छोड़े जा रहे हैं, कभी मंगल ग्रह पे जा रहे हो, कभी और भी जा रहे हो, तो ये खाली बोलते हुए तो लोग समझते भी हैं। सर राजस्थान की बात करें अपन, एजुकेशन मेरा मानना है पब्लिक सेक्टर में स्कूलें होती है, सरकारी स्कूल होती है, उसको मजबूत करना चाहिए बंद करने की बजाय, जिससे कि एक आम आदमी की क्वालिटी बढ़े, मतलब सरकारी स्कूलों पे लोगों को विश्वास जमना चाहिए, वरना जो नेता है चाहे वो अधिकारी है तमाम लोग अपने बच्चों को भेजते हैं प्राइवेट स्कूल के अंदर, तो ये नौबत ही खत्म हो उसके प्रयास सरकार को करने चाहिए कि क्वालिटी एजुकेशन मिले स्कूल पब्लिक स्कूल के अंदर भी, पब्लिक मतलब वो पब्लिक नहीं जो
पहुंचा भारत पब्लिक स्कूल है, सरकारी स्कूल के अंदर सरकारी पार्टी बढ़नी चाहिए। जो पहले सरकार थी तभी फंसाया था पेट, और अब वो किस रूप में लेते हैं, दो बार तो कानून बदल दिए उन्होंने, दो बार कानून बदल दिए। पहले कानून लाया 14 और 5 19 का लाया, तो धोखा देने वाले वो काम करते हैं, उसको धोखा दिया, तब भी हमने फिर उसको पूरी ताकत लगा के किसी ढंग से भाई रात में शांति सभी रहनी चाहिए, हमने उसको लागू करने का प्रयास किया। और एक मिनट हमारे हाथ में था, उन्होंने दे दिया एपीसी को, एसपीसी को, और उसके बाद वापस उन्होंने कानून लेके आए, 14 लेकर दिए 5 लेकर दिया। अब 14 क्या हो रहा है जवाब देने नहीं बनता सरकार को, 14 क्या हो रहा है जवाब देते नहीं बनता सरकार को। वो जो धरना दे रहे वहां पर जन कास्ट के लोग, आर्थिक रूप से कमजोर लोग, और 5 मिनट का नजीरे हम देखा जी जो हाईकोर्ट में फैसला हुआ है, ये मालूम था वसुंधरा जी को कि फैसला ही हुआ, तभी उन्होंने किया, इसका जवाब वही दे। सर भाजपा सरकार जो सरकार एक तरफा कार्य कर रही है, सब क्या है इस मामले? जहाँ तक मुझे जानकारी मिली कि जो जो जुडिशरी के अंदर जो पेश हो रहे हैं एसीबी के लोग, उन्होंने खुद ने कहा करप्शन नहीं हुआ है इसके अंदर, कोई पैसे नहीं खाए गए हैं, परंतु प्रक्रिया में गलतियाँ हुई है। एक सामुदायिक बनना इतना छोटा भवन बड़ा भवन बन गया, एक कोई सड़क बननी थी तो यहाँ की बजाय वार्ड नंबर बन गई, इस पर इरेगुलरिटी हुई है, मतलब ये प्रक्रिया की गलती हुई जो कि पूरे प्रदेश के अंदर हर जगह नगर निगम हो, नगर पालिकाएं हो, या डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, जेडी हो या यूआईटी हो, सब जगह ये प्रक्रिया चल रही है। या तो गवर्नमेंट चाहिए इसके लिए स्ट्रिक्टली कानून बनाए कि भाई इस प्रकार से कोई आप शिफ्ट नहीं कर सकते हो, इस प्रकार से आप बढ़ा नहीं सकते हो, 3 लाख का काम 5 लाख कर दिया, 7 लाख कर दिया, नहीं कर सकते हो, कोई ऐसा कानून है जिससे कि ये नौबत नहीं आए। वरना मैं मानता हूँ ये राजनीतिक बदले की भावना ले रही है खाली जोधपुर के अंदर, जिसमें आज भी एक आर एस अधिकारी की गिरफ्तारी हुई, मुझे जानकारी मिली। तो ये तमाम मतलब एक प्रकार से मुख्यमंत्री के इशारे पे सब काम हो रहे हैं, और बदले की भावना से वो ये काम करा रही है, जोधपुर में करा रहे हैं विशेष रूप से, इतने बड़े प्रदेश के औरतों में नहीं हो रहे हैं, जोधपुर में हो रहे हैं। मैं तो मांग करता हूँ उनकी जाँच पूरे प्रदेश के अंदर कि जा जाइए, जो गलती जोधपुर में हुई है, क्या जोधपुर वाली प्रक्रिया में गलतियाँ अनियमितता मानी जाती है, वैसी अनियमितता प्रक्रियात्मक खाली जोधपुर में हुई है कि राजस्थान भर में हुई है, इसका जवाब दे मुख्यमंत्री जी। अगर खाली जोधपुर में हुई है तो बताए खाली जोधपुर में हुई, इसलिए हम जोधपुर में केस कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में हुई है तो मैं समझता हूँ एक सा व्यवहार सबके यहाँ होना चाहिए, क्यों बिना मतलब गिरफ्तारी कर तंग करो लोग डिमांड हो रही है, और जनप्रतिनिधि डिमांड हो रहे हैं। मैंने सुना कि वो जेडी चेयरमैन जो मिस्टर राठौड़ है उसने कहा भाड़ में जाए विकास का काम, मैं तो एक किसान नहीं करूंगा, क्या सच्ची मुझे पता नहीं है, जो मैंने सुना है मैंने सुना है इनफॉर्मल मीटिंग के अंदर जो है उन्होंने कहा है अपने दोस्तों में जो भी सर्कल होगा कि ऐसी विकास काम हो कि मैं क्या किसान करूँगा, मुझे फंसना है। अगर ये जेडीए के चेयरमैन के दिल में भावना भय पैदा होगा तो विकास ठप हो जाएगा, विकास ठप हो जाएगा नहीं हो जाएगा, जैसे पूरे प्रदेश का आज माहौल बन गया है सरकार के खिलाफ में, कोई काम नहीं कर रहा अधिकारी, डर के मारे कभी ये जाना है क्या, ये जिम्मेवारी किसकी है? हाँ कोई करप्शन किया हो किसी ने तो एसीबी की ड्यूटी है वो उसको अरेस्ट करते हैं, कुछ भी करे, पर बदले की भावना से काम की जाती है। ठीक है सर, थैंक यू सर।